नमस्कार, अब खबर पीलीभीत से। नाराज दूसरी पत्नी ने पिचकारी का तेजाब फेंक दिया, इसमें पति पूरी तरह से झुलस गया। आनंद फानंद में झुलसी अवस्था में उसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं सदर कोतवाली पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर अग्रणी कार्रवाई में जुटी हुई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के काशीराम आवास निवासी फरहत अली का दूसरी पत्नी परवीन से घरेलू विवाद के चलते कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। बताया जा रहा है कि परवीन फरहत ने समझौता करने का दबाव बना रही है। वहीं अब फरहत अपने घर में किसी काम से चौक उतार गया है, तो वहीं परवीन भी आ गई और समझौता करने की बात कहने लगी। फरहत ने कोर्ट में सोने जुलाई की तारीख को समझौता करने के लिए कहा, लेकिन परवीन उसी समय समझौते का दबाव बनाने लगी। फरहत ने ना माने पर परवीन ने पिचकारी से भरा तेजाब फरहत पर फेंक दिया, जिसमें फरहत बुरी तरह से झुलस गया। सूचना पर पहुंची सदर कोतवाली पुलिस ने आनंद फानंद में झुलसी अवस्था में फरहत को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। जांच के अनुसार उसका उपचार कर रहे हैं। सूचना पर सीओ सिटी ने जिला अस्पताल पहुंचकर झुलसे फरहत का हाल जाना और मामले की जानकारी ली। पीलीभीत से टीवी न्यूज चैनल के लिए निजामुद्दीन राजन की स्पेशल रिपोर्ट।